वे हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है पेप गिटार लेसन्स। और मैं आपका दोस्त अनीश। और आज के लेसन में हम देखने वाले हैं कि क्लासिकल वन स्ट्रिंग सरगम हम कैसे प्ले करेंगे। तो ये जो प्ले करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको एक स्ट्रिंग्स के ऊपर जानना है टोन 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 सेमी टोन, एक मेजर स्केल फॉर्मूला है वो कैसे वर्क होता है उसके बारे में आपको जानना है। अगर आपने ये नहीं देखा रहेगा तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक डाली है, तो आप आराम से एक्सेस कीजिए लास्ट टाइम पे जो लेक्चर हुआ था, और उसके बाद में आप आ जाइए ये आज के लेसन के लिए। ऑलराइट, सो नाउ टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट अप विद द फर्स्ट थिंग। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वो जो सरगम है सरगम के ऊपर मैंने कुछ यहाँ पे आपको एक पैटर्न बनाया है, कुछ पीसेस मैंने बनाए हैं। तो वो पीसेस कैसे साउंड करते हैं और उसके लिए क्या क्या एक्टिविटी आपको करना पड़ चाहिए, ये आपको मैं सारा चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऑलराइट, तो ठीक से देखिए ये वीडियो, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट इसमें यूज होने वाला है आपका राइट हैंड, और राइट हैंड की जो स्ट्रमिंग पैटर्न है, स्ट्रमिंग पैटर्न रहेगी डाउन डाउन अप डाउन, जो हम लास्ट टाइम पे हमने की थी। राइट, तो सेम सिमिलरली पैटर्न वो लूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये टाइम पे मैं दो स्ट्रिंग प्ले करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, दो स्ट्रिंग प्ले करने वाला हूँ। ए स्ट्रिंग रहेगी वो जीरो ही रहेगी, उसके ऊपर कुछ नोट्स चेंज नहीं होंगे, लेकिन जो डी स्ट्रिंग है, डी स्ट्रिंग के ऊपर मैं सारे नोट्स चेंज करूंगा जो हमारी टोन 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 सेमीटोन यानी मेजर स्केल में जो नोट्स आते हैं वो। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। सो नाउ गाइस, ये जो पीस है इसको प्ले करने के लिए आपको बहुत ही आई मीन लाइक यहाँ पे कुछ मैजिक चीजें हैं, वो जब जाननी है आपको, कुछ टिप्स है वो भी आपको मैं देने वाला हूँ। नाउ लेट्स बिगिन द क्लासेस। तो नाउ सबसे पहले आपको क्या जानना है, उसके उसके अंदर जो जो नोट्स आ रहे हैं वो इन्वॉल्व करते हैं 2, 4 एंड 5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में कंटिन्यूसली विथ माई राइट हैंड मैं प्ले कर रहा हूँ डाउन डाउन अप डाउन। देखिए आप, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, सिर्फ मुझे एक स्ट्रिंग के ऊपर जाना है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग जो मैंने डी उठाई है, तो डी के ऊपर पहले मैं प्ले करूंगा। तो मेरा पीस जाता है, ओके, तो ये जाता है आपका 5 4 2 0। ऑलराइट, तो जब भी ये पीस मुझे प्ले करना है तभी मैं स्ट्रमिंग पैटर्न नहीं प्ले करूंगा, आई जस्ट प्ले ओनली 2 स्ट्रिंग। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए मैं प्ले कर रहा हूँ सीधा 1 स्ट्रिंग। आप देखिए साउंड कैसा करता है, सिर्फ डी स्ट्रिंग डाउन डाउन। ऑलराइट, ये बहुत इजी है, आप ट्राई कीजिए, ये साउंड करेगा बहुत ही अच्छा जब मैं दो स्ट्रिंग एक साथ प्ले कर रहा हूं। सुनिए आप, ऑलराइट, सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट है दैट इन्वॉल्व द 7th एंड द 5th फ्रेटबोर्ड। ऑलराइट, तो अभी देखिए ये कैसे साउंड करेगा मेरा। थोड़ा सा मैंने एक्सप्रेशन एक यूज किया, ये एक्सप्रेशन को बोलते हैं हैमर ऑन एक्सप्रेशन। ओके, तो ये हैमर ऑन एक्सप्रेशन मैंने कहां पे डाला है, 5, पहले तो 7 के ऊपर मैंने स्ट्रेट लिया है ये, देन 5 के ऊपर भी ये स्ट्रेट जाएगा, लेकिन जब भी मैं 5 से 7 पे जाता हूं तभी मुझे डालना है हैमर ऑन। राइट, तो हैमर ऑन में क्या कर रहा हूं, राइट, तो ये साउंड आता है बहुत ही अच्छा, आपको एक्सप्रेशन आएगा। So this is how I do it. सुनिए आप ठीक से, मैं पूरा वाला ये जो पीस है वो प्ले कर रहा हूं। ऑलराइट, तो ये आप ट्राई कीजिए, ये सबसे पहले आप फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर ट्राई कीजिए, नॉट फर्स्ट स्ट्रिंग ओनली 1 स्ट्रिंग के ऊपर ट्राई कीजिए ये, और 1 स्ट्रिंग का आपका सक्सेस होता है देन यू कैन स्टार्ट वाइब्रेटिंग द ए स्ट्रिंग एज वेल। ओके,
उसके बाद वाला जो नोट जाता है वो नोट आपका इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली लेविन के ऊपर। अभी नाउ ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हम लोग यूज करने वाले शास्त्रीय संगीत से। ऑलराइट, नाउ जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे सितार है या फिर वीणा है, यहाँ पे लोग क्या करते थे, लोग ये यूज करते हैं एक्सप्रेशन, राइट। तो ये एक्सप्रेशन हम यूज करने वाले व्हाइल प्लेइंग द थर्ड पीस। ओके, तो ये थर्ड पीस आपका जाता है, ऑलराइट। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला है आपका 11, सेकंड वाला नोट है आपका 9, थर्ड वाला नोट है आपका 7। ऑलराइट, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट ऊपर लेके जा रहा हूँ। आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, ये 2 तक लेके जाइए, 3 तक लेके जाइए, 5 तक लेके जाइए, द वे यू आर कंफर्टेबल। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि आप वो बीट के ऊपर प्ले करें। ऑलराइट, नाउ जो आपने एक्सरसाइजेस की है अभी तक, जो पीसेस मैंने अभी तक आपको बताई है, आपको बस वैसे ही प्ले करना है। अगर आप ऐसे प्ले करते हो तो यू कैन इजीली एबल टू प्ले अ क्लासिकल पीस ऑन एनी वन स्ट्रिंग, और उसमें इन्वॉल्व करके हम दूसरा वाला एक वाइब्रेशन वाला टोन यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, सो ऐसे ही आने वाले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए मेरा चैनल। आई एम योर फ्रेंड अनीश, आई एम टेकिंग साइनिंग ऑफ, बाय।